तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहक यानी कि मोहक नारायण सुरभि राठौर की आज की अपडेट। कल भी रात भर सुरभि एंड पीहू सोई नहीं थी, एंड पीहू रात को एंड अभी जब पीहू ने स्टोरी डाली है उसमें सुरभि रो रही है मोबाइल में कुछ देखकर। अब पता नहीं वो मोबाइल में ऐसा क्या देख रही है जिससे कि वो रो रही है, बट उन्होंने लास्ट में बोला कि तू अच्छी लग रही है। तो यहाँ एंड सेकेंडली बात करें मोहक की, तो गाइस शायद आज मोहक वापस आ जाएंगे नोएडा, क्योंकि उनके जो साथ में शूटिंग कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर चेंग एंड अली ने, तो उन्होंने स्टोरी डाली है कि लास्ट नाइट इन जेद्दा। तो गाइस यहाँ रियाज से मोहक एंड उनके फ्रेंड्स जेद्दा गए थे और वहाँ से वो वापस आने वाले हैं, एंड उन्होंने स्टोरी डालकर बताया कि यहाँ पर हमारी लास्ट नाइट है। तो हो सकता है कि मोहक आज वापस नोएडा आ जाए। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ अभी तक तो ऐसी कोई स्टोरी उन्होंने एयरपोर्ट से नहीं डाली है, बट जैसे ही डालते हैं मैं आपको बता दूंगी। तो आइए गाइस देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट। मैं यहाँ पर सिर्फ कल की वीडियो के ही कमेंट शामिल कर रही हूँ, पुरानी वीडियो के कमेंट शामिल नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। पहला कमेंट है पॉम्पे बर्मुडाई का, दी मुझे सोहक चाहिए साथ में। पॉम्पे बर्मुडाई ने दूसरा कमेंट किया है, वी वॉन्ट टू सोहक बैक, मिस यू सोहक, प्लीज कम बैक। तो हाँ, हम सभी सोहक फैंस को बस इतना ही चाहिए, हमें सोहक साथ ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अनम ने कमेंट किया है, थैंक दी अपडेट देने के लिए, जब आप ठीक हो जाओ तभी कमेंट वाली वीडियो बनाना। तो हाँ अनम, मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ इसलिए मैंने सोचा कि आज कमेंट वाली वीडियो बना लेती हूँ, थोड़े ही कमेंट में आज शामिल कर सकूंगी। मोहम्मद इमरान ने कमेंट किया, क्यूट सुरभि सुरभि। निशा प्रजापति ने कमेंट किया, मुझे लगता है कि सोहक का ब्रेकअप नहीं हुआ है क्योंकि मोहक भाई के रूम में उनकी वो फोटो अभी भी है जो उन्हें सुरभि ने 1 मिलियन पर दी थी, रश्मि दी के व्लॉग में देखा है मैंने जस्ट अभी। अगर ब्रेकअप हुआ होता तो मोहक हटा देते वो पिक मे बी। तो हाँ गाइस, वो फोटो फ्रेम अभी भी मोहक के पास है एंड उन्होंने अपने न्यू वाले घर पर रखी हुई है। आप लोगों ने उनके न्यू व्लॉग में भी उसको नोटिस किया होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि लास्ट पार्ट में वो फोटो फ्रेम हमें साफ व्लॉग में दिखाई दे रही है। रुकैया ने कमेंट किया, शुरू की 46 सेकेंड की किसने स्किप की है जल्दी बताओ। अच्छा तो आप यहाँ पर वीडियो की बात कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में खुशी का थोड़ा सा पार्ट था। गाइस देख लो, 46 सेकंड में आपका कुछ नहीं होगा। तो इस पर हनी ने रिप्लाई किया है, क्या है उसमें, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आपको क्या समझ आया प्लीज मुझे बताओ। तो ये यहाँ पर ये कहना चाहती है रुकैया कि इन्होंने वीडियो की स्टार्टिंग की 46 सेकंड की स्किप की है क्योंकि उसमें खुशी है। तो गाइज आप लोग ऐसे वीडियो स्किप करके देखते हैं तभी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, फिर आप लोग उसी चीज को लेकर मुझे कमेंट करते हो एंड क्वेश्चन पूछते हो। विधि शर्मा ने कमेंट किया, ये कब की रील है थी? तो विधि, ये लास्ट ईयर की मोहक की इंस्टाग्राम स्टोरी है। नीतू दहिया ने कमेंट किया, मिस यू सोहक। तो हाँ, हम सभी सोहक को बहुत मिस कर रहे हैं। कायनात ने कुछ कमेंट्स किए थे बट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिए, तो गाइज प्लीज कमेंट को डिलीट मत कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने गलत कमेंट दिया तब भी डिलीट कीजिए। वैसे यहाँ पर मुझे कायनात के कमेंट गलत तो नहीं लग रहे। शनाया ने कमेंट किया, अगर वो लोग अपना ईगो साइड नहीं कर रहे हैं तो उनके क्लोज फ्रेंड जो सारी बात जानते हैं उनको तो कुछ करना चाहिए। तो शनाया, यहाँ पर हमें जो चीज ईगो लग रही है, क्या पता उन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट लग रही हो, एंड कुछ भी हो सकता है गाइस, क्योंकि हम उनको सिर्फ इतना ही देख पाते हैं जितना कि वो हमें दिखाते हैं, यानी कि व्लॉग्स में इन वीडियोस में वो सारी चीजें तो हमें बताते नहीं होंगे। उनकी रियल लाइफ कुछ चीजें होंगी जो उन्होंने अभी तक सभी को नहीं बताई होंगी, एंड वैसे भी वीडियो 7-8-10 मिनट की होती है तो वो लोग इतना ही दिखा पाते हैं जितना कि वो दिखाना चाहते हैं, हमें सब कुछ चीज मालूम नहीं होती। एंड हाँ, उनके क्लोज फ्रेंड को सारी चीजें पता होगी, एंड हो सकता है कि उनको भी पता है कि वो मिलना नहीं चाहते, नहीं तो अभी तक ये लोग उनको समझा देते। अफसाना बेगम ने कमेंट किया, दी आज मैंने पीहू दी की रील में कमेंट किया था कि प्लीज आप हमारे सोहक को मिला दो, तो उन्होंने लाइक किया मेरे कमेंट को। तो हाँ, पीहू ने ऐसे काफी सारे कमेंट्स को लाइक किया है सोहक से रिलेटेड। अवधि त्रिवेदी ने कमेंट किया, आप कितनी अच्छी हो। तो थैंक यू सो मच अवधि, आप भी बहुत अच्छी हो कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया है। तृप्ति जोशी ने कमेंट किया, बट दी दीपेश एंड पीहू के ब्रेकअप हुआ तो मोहक एंड सुरभि कैसे दूर हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो तृप्ति, आप मेरी अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखते होंगे तो ये चीज मैंने काफी डिटेल में भी बताई है एक वीडियो में, एंड यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो सुरभि जो कि दीपेश को काफी टाइम से जानती है, दीपेश भी सुरभि को काफी टाइम से जानते हैं, तो वो एक दूसरे को अनफॉलो नहीं करते। आसिफ खान ने कमेंट किया है, यस दी कही थी ये बात, मैं सच कहती हूँ दी। बहुत कमेंट करे सब ने कहा कि सुरभि को बहुत हर्ट हो रहा है। वैशाली तिवारी ने कमेंट किया है, मोहक तो मैच्योर है और वो कुछ ऐसा नहीं बना रहे हैं या पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दुख नहीं हुआ है, उनका प्यार उनका सपोर्ट देखा है हमने हर वीडियो व्लॉग्स में, तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ है। तो हाँ वैशाली, आपने सही बात कही है, मैंने भी कभी ऐसा नहीं कहा कि मोहक को दुख नहीं हो रहा है, दुख तो दोनों को ही हो रहा है, इन दोनों के ही फेस पर दिखता है। मैंने कमेंट किया, दी पहले आप ठीक हो जाओ बाद में आप कमेंट वाली वीडियो बनाना, गेट वेल सून दी। एंड रही बात सोहक की, तो वो जरूर आएगा, आप टेंशन मत लो दी। मोहक एंड सुरभि दोनों बहुत ही लॉयल है एक दूसरे के लिए,
एंड मुझे सोहक पे पूरा भरोसा है कि वो जरूर आएगा। एंड मुझे भी यही लगता है कि सोहक के ना मिलने पर पीहू एंड दीपेश के ब्रेकअप का ये दौरान ही हुआ है, बट मैं होप कर रही हूँ कि हमारा सोहक जल्दी से वापस आ जाए। तो काफी अच्छा कमेंट किया मेरा आपने, थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए। एंड हाँ, ये बात तो बिल्कुल कन्फर्म है एंड मैं कह सकती हूँ कि पीहू एंड दीपेश के ब्रेकअप के दौरान ही इनके बीच भी कुछ हुआ है। चंद्रिका पुरोहित ने कमेंट किया, दीदी आपका फेस कब दिखाओगे? तो चंद्रिका, अगर आपको मेरा फेस देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकती हैं। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया, दी मोहक की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उसने किसी भी लड़की के साथ एक भी रील नहीं बनाई है। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सुरभि ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है अभी तक। रुकिया ने कमेंट किया, हाँ दी मैं भी यही सोच रही थी कि जब सोहक साथ थे तब पीहू और सुरभि इतने अच्छे फ्रेंड नहीं थे, बट आफ्टर द ब्रेकअप ये दोनों इतने क्लोज फ्रेंड बन गए हैं, मोहक उतना ही दूर चले गए हैं, ये जरूर पीहू की रिलेशनशिप के ऊपर ही कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई है आई एम श्योर। तो ऐसा कुछ नहीं है रुकैया, ये काफी अच्छे फ्रेंड स्टार्टिंग से ही है। आप लोग इनकी एक दो साल पुरानी वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं जिसमें कि पीहू सुरभि की इनकी बॉन्डिंग अच्छी दिखती है एंड इन्होंने साथ में काफी सारी रील्स भी बनाई हुई है। एंड एक कमेंट जो पुराना है मैं ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया है कि मोहक के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिसिंग है, एक वीडियो थी जहाँ पे मोहक एंड सुरभि दोनों ही एक दूसरे का मेकअप कर रहा था एकदम गंदे तरीके से, वो वीडियो मोहक ने डिलीट की है। मैंने कम्युनिटी टैब में जाकर उस लिंक पर क्लिक किया तो वीडियो इस प्राइवेट दिख रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप लोग मोहक के चैनल पर जाएंगे, उनके कम्युनिटी पोस्ट में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये वाली वीडियो आपको दिखेगी इस वाले थंबनेल के साथ एंड उसके लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा कि दिस वीडियो इज करंटली प्राइवेट। एंड ये पता नहीं है कि ये वीडियो मोहक ने कब प्राइवेट की है, मैंने एक दो फैन पेजेस से पूछा है तो एक फैन पेजेस ने मुझे रिप्लाई किया कि ये वीडियो काफी टाइम से प्राइवेट है। एंड यहाँ पर काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि मेकअप वाली वीडियो तो सुरभि के चैनल पर है। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दोनों के ही चैनल पर मेकअप वाली वीडियो है। सुरभि के चैनल पर जो मेकअप वाली वीडियो है उसमें मोहक ने सुरभि का मेकअप किया है एंड मोहक के चैनल पर जो मेकअप वाली वीडियो है उसमें सुरभि ने मोहक का मेकअप किया है एंड लास्ट में मोहक भी थोड़ा बहुत तो सुरभि का मेकअप करते हैं एंड वो वीडियो मैंने अच्छे से देखी हुई है एंड ये सही बात है कि वो वीडियो भी प्राइवेट है। तो बस गाइस, इतना ही कमेंट मैं शामिल कर पाई हूँ आज की वीडियो में एंड बाकी के कमेंट्स मैंने देखे नहीं है ज्यादा, अभी मैं देखूंगी अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो अगली जो कमेंट वाली वीडियो उसमें मैं शामिल करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना केयर करने के लिए मेरी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो से।